गाइस इसके लिए ना हमें पूरा भी 1 घंटा 40 मिनट लग गया, लेकिन हमारा नंबर अभी तक नहीं आया। टॉयलेट थे ना पूरे चारों के चारों स्विमिंग पूल बना रखे थे, वॉश वेशन, चारों की हालत बहुत गंदी थी। चारों वॉश वेशन स्विमिंग पूल बने हुए थे, तो हमने तो बाहर आके अपना मुंह धोया, ब्रश किया। तो दुर्गा भवन में जब भी आए तो कृपया साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें आप सभी। एक यात्री को एक ही टिकट दी जाएगी भैरव मंदिर जाने के लिए, के लिए परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर कतार में आए। जय माता दी सभी भक्तों को। आप देख रहे हैं माता वैष्णो देवी को का पावन भवन। So, अभी चलते हैं। गाइस देखो ये रहा दुर्गा भवन और यहाँ से अभी हम जाएंगे गाइस मंदिर में, तो गाइस आपको भी दिखाएंगे। चालू है देखिए गाइस, हम पहुंच चुके हैं दुर्गा भवन। ये माता के भवन के अपोजिट है। यहाँ देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और कितनी साफ सफाई है। बट हम आए हैं यहाँ पर रात बिताने के लिए, जगह घेरने के लिए। आइए देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ जा रहे हो? हम लोग जगह ढूंढते हैं, यहाँ से निकल के यहाँ आ गए। ये क्या हो रहा है माँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? सोने का जुगाड़ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे लाइट नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं मिले। गाइस गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है और माता रानी के भक्तों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें रूम ना मिलने के कारण हमने यहाँ पे जगह घेर ली है। आज रात को हम यहीं रुकने वाले हैं। जय माता दी। देखिए गाइस माँ का सुंदर नज़ारा, माता के भवन का। चलिए मैं आपको भवन का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए सामने से कितना सुंदर माता का भवन है। बोलिए जय माता दी। जय माता दी सभी को। हेलो गाइस, यार ये चिक्कू को ना थोड़ा सा ठंड, देखो थोड़ा सा ये तो कोल्ड हो गया और खांसी भी हो रही है। बेचारा गाइस एंजॉय नहीं कर पा रहा, छोटा बाबू है ना, इसलिए इसको थोड़ा कोल्ड भी होगा, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप सभी आए तो कृपया भवन पे अपना जैकेट, स्वेटर, शॉल, कंबल वगैरह सब कुछ लेके आए, भवन पे ठंड है। सो गाइस अभी यहाँ पे रात हो रही है और यहाँ पे ऊपर से नीचे आ गए, तो अभी गाइस हमारे पास यहाँ पे वैक्स बॉटल है जो कि बहुत पावर होती है। तो कलर दिखाओ कौन कौन से कलर, ब्लू, रेड, ऑरेंज और येलो। येलो क्या? येलो लीक हो गई, रुको गुलूम ने भर। हम दोनों की मम्मा बहुत अच्छी है। हाँ हम दोनों की मम्मा बहुत अच्छी है। गाइस चलो अभी हम ये वाले लिप बाम लगाते हैं। लंच लॉश पपड़ी से जम रही है ना, मेरे को लिप बाम भी चाहिए, मैंने वो लगा ली ना तेरी। सब गाइस लिप बाम यूज कर रहे हैं। आरू कैसे देख रही है? फर्स्ट टाइम लगा रही हूं मैं लगाती हूं लिप बाम। वैसलीन भी है। और गाइस यहां पे ना ये जो पैकेट है ना गाइस, पूरी इसमें हवा भर चुकी है और बहुत ज़्यादा ही गाइस टाइट हो चुका है। बट गाइस आपको लग रहा होगा कि इसमें चिप्स है बहुत सारे, नहीं गाइस इसमें आधी तो हवा ही है ना आरू? फैनी पैक खाली हां, क्यों सुबह। हाय गाइस, सब्सक्राइब, लाइक।
तो अभी ये खाते हैं हमने, गाइस खोली है, बहुत खट्टी है यार सच में। इसकी शक्ल देखो, आरू आपको कैसी लगी? गंदी लगी इसको। क्या होता है ये? पापा आपका फेवरेट लो, खाओ खाओ, खट्टा बहुत है ये, तू खाओ। अरे पापा खाओ तो एक बार। रेडी खाओ। गाइस देखो यार यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देखो अभी हम लोग गाइस दर्शन करके आ गए हैं। सो अभी गाइस अभी हम लोग गाइस यहाँ पे मजे कर रहे हैं। गाइस हमने माता के दर्शन कर लिए हैं, सुबह के 6 बजे है और आप देखिए सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत, कितना सुंदर है। बोलिए जय माता दी। और यह है गुगुड़ा, और देखिए चुपके मेरी गोदी में है, ये है धानी। गाइस देखो चुप्पू डोमिनोज पिज़्ज़ा में, डोमिनोज पिज़्ज़ा में क्या कर रहा है चुप्पू? टेबल पे, टेबल दूर से दिखा रहा है डोमिनोज पिज़्ज़ा में, इन्हें कर रहा है बाबू। माता वैष्णो देवी में भवन में चिक्कू डोमिनोज पिज़्ज़ा में टेबल पे सोने की कोशिश खेल रहा है भी। और गाइस यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, पहाड़ है ना। और पिज़्ज़ा पार्टी गाइस चुक्कू को देखो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, चुक्कू को देखो, चुक्कू को देखो, किस किस ने डोमिनोज पिज़्ज़ा में बच्चे को ऐसे बिठाया है, कमेंट्स करना। रुक रही है? नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया? आरू भाई रो रहा है, आरू बेबी भैया रो रहा है, भैया रो रहा है, आरू दिन शुभिर हो रहा है, शुभिर शुभिर हो रहा है, शुभिर नहीं नहीं चढ़ने दो, चढ़ने दो। हरिया भैया रो रहा है, हरिया गुरु जी ने छोड़ दे, भैया रो रहा है, शुभिर हो रहा है, तुम बहुत गलत बात कर रहे हो, भैया रो रहा है, भैया रो रहा है। ये आरू दीदी को देखिए गाइस, चुक्कू को प्यार करते हुए। आरू दीदी का भैया है सुबी, मेरे बच्चू। मैं जादूगर, मेरा नाम गुगा, मैं जादूगर, मेरा नाम गुगा, गिली गिली पाशा, सुन मेरे राजा, 1 2 9 11 जादूगर का, ये को नहीं खिलाया ना उन लोगों ने, सबका ये कमाल है करते हो। आरू बेबी देखो, देख देख आरू बेबी जादूगर, हां तुम लोगों ने तो नहीं दिया ना उसको, मैं जादूगर, मेरा नाम गोगा, चलो
गाइस यहाँ पे ना वॉशरूम बहुत गंदे थे यार भवन पे, तो हमने तो बस बहुत ज़्यादा गंदे कर रखे थे दुर्गा भवन के अंदर डोमेट्री में। तो उन्होंने ना जो भी जेंट्स टॉयलेट थे ना पूरे चारों के चारों स्विमिंग पूल बना रखे थे वॉश फैशन। चारों की हालत बहुत गंदी थी, चारों वॉश फैशन स्विमिंग पूल बने हुए थे। तो हमने तो बाहर आके अपना मुंह धोया ब्रश किया। तो दुर्गा भवन में जब भी आए तो कृपया साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। आप सभी सफाई रखेंगे। चलो नीचे। अरे वही तो लिपिका पीछे लेके गई। अरे वो ऐसे पैक करा के ले गई। और मैं भी जैकेट पहन ठीक है ना। ओ जैकेट पहन। अरे देखो कैमरा में, देखो कैमरा में। हेलो गाइस, चलो इसको बोलो क्या हो गया नीता जी। चलो बंद करो। जय, इनका नाम है ना नेता जी, है हमारे ब्लॉग में नेता जी, क्योंकि नेतागिरी बहुत करते हैं। चलो बाय, अरु बाय कर दो, बाय गाइस। कैमरा का है, कैमरे पे हाथ मारो, कैमरे पे ऐसे अरु ऐसे। गाइस अगर आप रोपवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो परिवार के सभी लोगों को आना पड़ेगा टिकट के लिए, क्योंकि इन्होंने जगह जगह ये सूचना लिखी हुई है कि एक यात्री को एक ही टिकट दी जाएगी भैरव मंदिर जाने के लिए। ये लिए परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर कतार में आए, ये इन्होंने सूचना लगाई गई है। गाइस फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको लाइन में आना पड़ेगा। जय माता दी। टिकट काउंटर रोपवे के लिए दुर्गा भवन के पास है गाइस। अभी इन्होंने चेंज कर दिया है तो रोपवे का टिकट काउंटर दुर्गा भवन शिफ्ट हो गया है। जो जितने भी भक्तजन ये वीडियो को देख रहे हैं इनसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चुक्कू मेरी गोदी में है तो देखिए। चुक्कू बोलो जय माता दी, जय माता दी। अरे सब मेरे पीछे आ रहे गाइस, देखो इधर भी ये सूचना लिखी हुई है, जगह जगह ये सूचना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। जय माता दी। लाइन यहाँ से शुरू है। हेलो गाइस, हमें रोपवे की लाइन में भैरव बाबा के लिए जाते हुए। जय माता दी सभी को। गाइस हम लगे हैं रोपवे की लाइन में सुबह 10 बजे से और बहुत ही खूबसूरत अनुभव हुआ हमें कि जो लोग बुजुर्ग हैं वो 2 से 3 मिनट में रोपवे के जरिए भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। जय माता दी। हाय आरू, आरू हम कहाँ जा रहे हैं बोलो। भैरव बाबा के लिए उसमें जाएंगे हम, किसमें? चील गाड़ी में। गाइस इसके लिए ना हमें पूरा भी 1 घंटा 40 मिनट लग गया, लेकिन हमारा नंबर अभी तक नहीं आया। देखो गाइस ये है रोपवे और ये है अभी भी लाइन, पता नहीं कब आएगा हमारा नंबर। हे माता रानी, जय माता दी। बाबू भैया भैया भैया, मजबूर है बेचारा, उसको दूध पीना है। खराब ये चुक्कू का रो के बुरा हाल है यार, मैं क्या करूं। लेकिन अगर मैं तो रास्ते से जाना अच्छा लगता है मेरे को। तो गाइस जय माता दी, रोपवे से जाने के लिए टाइम तो लगता है गाइस, लाइन बहुत लंबी होती है, तो करीब 2 से 2 घंटे 2.25 घंटे लगते हैं।
लेकिन हम 1 से 2 मिनट में भैरव घाटी पहुँच जाते हैं। ये भी एक खूबसूरत अनुभव था। तो आप सभी को ज़रूर रोपवे का अनुभव लेना चाहिए। बोलो जय माता दी। रोपवे के लाइन में हम अभी भी हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है गाइस। हम काफ़ी एक्साइटेड है कि कब हमारा नंबर आएगा रोपवे में बैठने के लिए। जय माता दी। हाँ तो जी, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा रोपवे की लाइन का? मस्त है। बस्ट, बस्ट, नहीं, कैसा एक्सपीरियंस लगा अभी? गंदा गंदा। इससे अच्छा तो हम वहाँ पर पहुँच जाते वॉकिंग करके। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई साहब? न्यूट्रल, अभी पता नहीं क्या हालात है। अच्छा, लेकिन हम वेटिंग टाइम बहुत लॉन्ग है। जिनको जिनको परेशानी है चलने में, हाँ। जैसे मम्मी डैडी हो गए, जिनके हाँ। पैर जो बुजुर्ग लोग हैं वो रोपवे से आ सकते हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो आपको कैसे आना चाहिए था? रास्ते से अब तक हम लोग दर्शन करके और हम लोग उतरने। गाइस ये मैं पूरा ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कितना हमें टाइम लगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय माता दी। देखो ये मेरा चुक्कू भी परेशान हो गया लाइन में। हमें पूरा 1 घंटा 40 मिनट हो गया लाइन में। गाइस रोपवे ने हमें 1 से 2 मिनट में भैरव घाटी पहुँचा दिया, बट इसका लॉन्ग टाइम बहुत है। 2 सवा 2 घंटे में हमारा नंबर आया। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, पार्ट 4 में। जय माता दी। बाय।